हेलो दोस्तों, मैं सत्यम कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मर सत्यम में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आप अपने फ़ोन से किस प्रकार एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आईडी पासपोर्ट साइज फ़ोटो एडिटर पर क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन को मैंने पहले ही इंस्टॉल करके रखा है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद इसे ओपन कीजिए। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है, न्यू फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना है, आपका अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करते हैं, इंडिया। यहाँ पे देखिए, इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इंडिया पासपोर्ट, वीज़ा, पैन, स्टाम्प। तो हम इंडिया पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक DPI सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम 300 पे रहने देते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ परमिशन दे देना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होगा, एक कैमरा का, एक गैलरी का। अगर आपने अभी तक पिक्चर नहीं क्लिक किया है तो यहाँ से आप कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने पहले से ही पिक्चर सेव करके रखा है तो आप गैलरी वाले ऑप्शन में जाएंगे। गैलरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको अपना पिक्चर सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट एडिटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ इंडिया पासपोर्ट सेलेक्ट है। उसके बाद ऊपर पे आपको क्रॉप करना है। तो ऊपर वाले ऑप्शन क्रॉप पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको ड्रैग करके इसे अपने हिसाब से सेट करना है। तो चलिए हम इसे अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद इसे दोनों साइड बराबर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्रॉप करने के बाद कुछ इस तरह का ओपन होगा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा इस ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का ओपन होगा। उसके बाद आपको ऊपर पे सेव करना है, यहाँ पे सेव वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। सेव जैसे ही करेंगे यहाँ पर हमें स्किप करना है, स्किप कर देंगे। उसके बाद एड एन आउट लाइन पर आपको क्लिक करना है। तो इसे एक आउट लाइन दे देते हैं। इतना देने के बाद इसे डन करेंगे। उसके बाद इसे फाइल साइज को थोड़ा बढ़ा देना है, लार्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो तैयार हो गया। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ प्रिंट मल्टीपल कॉपीज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेज सेलेक्ट करना है, कौन सा पेज आप प्रिंटर में यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए हम 4x6 इंचेज वाला पेज यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसे ओके करना है। उसके बाद इसे रोटेट कर देना है यहाँ से। उसके बाद कॉपीज़ को बढ़ा देना है। ये देखिए 8 कॉपी आपका तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। PNG में रहने देते हैं, बेस्ट क्वालिटी है। उसके बाद सेव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे प्रिंटर की सहायता से प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।